हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लोकी सीजन 2 एपिसोड 1। वेल सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां से पहला सीजन खत्म हुआ था। सिल्वी और लोकी टीवीए के क्रिएटर कैंग के पास पहुंच गए थे, जहां लोकी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने इस कैंग को मार दिया तो इसके मरने के बाद इसके दूसरे वेरिएंट यहाँ पर आ जाएंगे जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन सिल्वी लोकी को टाइम डोर की मदद से टीवीए में फेंक देती है और बिना कुछ सोचे समझे कैंग के सीने में चाकू घुसाकर उसको मार देती है, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन टूट जाती है और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी दूसरी टाइमलाइंस बनने लगती हैं। उधर लोकी टीवीए में पहुंच जाता है जहां उसको मोबियस और हंटर B15 मिलते हैं, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते और यहां से शुरू होता है लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड। तो जैसा कि मोबियस और हंटर B15 दोनों ही लोकी को नहीं पहचान पाते, उनको लगता है कि ये कोई वेरिएंट है, इसीलिए वो बाकी के एजेंट्स को लेकर उसको पकड़ने लगते हैं। लोकी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसीलिए वो उनसे बचकर भागने लगता है, जिस बीच वो वहाँ के फ्लोर को भी तोड़ देता है। तभी उसको कैसे मिलता है, पर वो भी उसको नहीं पहचान पाता, बल्कि वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि वो फरार वेरिएंट मेरे पास खड़ा है। इतने में ही लोकी के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो वहाँ से गायब होकर दोबारा वहीं आ जाता है, लेकिन इस बार कैसे उसको पहचान लेता है, जिस पर लोकी उससे कहता है कि अभी तो तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे थे, जिस पर ऐसे कहता है कि तुम मुझसे मिले कब। ये सुनकर लोकी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो कैसे से कहता है कि कैसे यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं भी तुमसे मिला और तुम मुझको पहचान नहीं रहे थे। तभी लोकी का ध्यान उस टूटे हुए फर्श पर जाता है, जिसको देखकर लोकी कैसे से पूछता है कि ये फर्श कब से टूटा हुआ है, जिस पर कैसे बताता है कि ये तो टीवीए की शुरुआत से ही ऐसा है। ये बात सुनकर लोकी समझ जाता है यानी वो टीवीए के पास्ट में था, क्योंकि उसी ने इस फर्श को तोड़ा था। लोकी कैसे से उसे मोबियस के पास ले जाने को कहता है, पर इतने में ही वो फिर से अजीब तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल में ये टाइम ग्लिच है। कैसे मोबियस को जाकर बताता है कि अभी लोकी यहाँ पर था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। अब इससे पहले मोबियस और हंटर B15 लोकी के बारे में कुछ समझ पाते, वहाँ टीवीए का दूसरा एजेंट X5 आ जाता है और इन दोनों को बताता है कि टीवीए के पुराने जज रवोना के गायब हो जाने के बाद टीवीए में नए जजेस की काउंसिल बनी है जो तुमसे मिलना चाहती है। ये दोनों X5 के साथ काउंसिल मीटिंग में जाते हैं, लेकिन तभी लोकी फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो कैसे से मोबियस का पता पूछता है और उसके पीछे जाने लगता है। उसको मोबियस दिख भी जाता है, लेकिन उसी वक्त वो फिर से गायब होकर पास्ट वाले टीवी में चला जाता है, जहाँ वॉशरूम में दीवारों पर उसको कैंग की तस्वीर बनी मिलती है, लेकिन फ्यूचर में ये तस्वीर नहीं बनी होती। इतने में वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर बजने लगता है, जिसमें कैंग रवोना को कहता है कि वो बहुत कमाल की है, उसने तो इस जंग का रुख ही बदल दिया है और उसके साथ काम करके उसको मजा आया। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि रेवोना कैंग को जानती थी, यानी उसको सब पता था कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि कैंग ने बनाया था। उधर काउंसिल मीटिंग में जज मोबियस और हंटर B15 से कहते हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन के टूटने की वजह से उसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं। तुम उनको खत्म करने की जगह बाकी एजेंट्स को उन्हें खत्म करने से रोको, जिस पर हंटर B15 कहती है कि मुझको समझने का एक मौका दीजिए। दरअसल टीवीए में काम करने वाले सब लोग पहले वेरिएंट थे, उन सभी की एक जिंदगी थी जिसे टीवीए ने हमसे छीन लिया। यहाँ तक कि जज आपकी भी टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। हंटर B15 का साथ देते हुए मोबियस बोलता है कि ये बात मानने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि हम सब वेरिएंट थे और हम सबके टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। जिस पर दूसरी जज कहती है कि हम सब यहाँ पर उस सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जिस पर हंटर B15 कहती है कि हम सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसमें से निकलने वाली बाकी टाइमलाइंस को नष्ट कर रहे हैं और उन टाइमलाइन में रहने वाले लोगों को भी मार रहे हैं। हमें टाइमलाइन को नष्ट करना रोकना होगा, जिस पर सबसे बड़ी जज हंटर B15 और मोबियस की बात पर गौर करती है और कुछ समय के लिए बाकी टाइमलाइन को नष्ट करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लोकी आ जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या तुम मुझको पहचान पा रहे हो, जिस पर मोबियस कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो लोकी, मैं तुमको जानता हूँ। लोकी को देखकर एजेंट X5 अपने स्टिक से उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन लोकी उसके स्टिक छीनकर पीछे वाली दीवार पर मारता है, जिससे दीवार के आगे का हिस्सा जल जाता है और उसके पीछे कैंग की वही तस्वीर दिखाई देती है जो लोकी ने पास्ट में देखी थी। लोकी सबको बताता है कि ये वही शख्स है जिसने टीवीए को बनाया है और तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनी है, लेकिन बहुत जल्द ये वापस आने वाला है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होगी। मोबियस लोकी को शांत
साफ करता है और वहां से बाहर ले जाता है। इनके बाहर जाने के बाद एक जज X5 को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द सिल्वी को पकड़ो। मुझे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जबकि उधर बाहर जाकर लोकी मोबियस को बताता है कि उसने समय के अंत में ही हु रिमेन्स यानी कि कैंग को ढूंढ लिया था, लेकिन सिल्वी ने उसको मार डाला। जिसके साथ लोकी उसको बताता है कि पहले हम सबको ये लग रहा था कि अगर हम सीक्रेट टाइमलाइन को आजाद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे टाइमलाइंस बनेगी जिससे और तबाही होगी और कैंग के लाखों वेरिएंट्स यहां पर आ जाएंगे जिससे एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी। उसमें ना जाने कितने लोग मरेंगे। कैंग के मरने की वजह से अब यहां बहुत कुछ बदल गया है। जिस पर मोबियस ये कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन पहले मुझको ये समझाओ कि तुम अचानक उस काउंसिल मीटिंग में कैसे पहुंच गए। जिस पर लोकी बताता है कि वो टीवीए के पास्ट में था और वहीं से वो सीधा वहां पर पहुंच गया। ये बात मोबियस को समझ ही नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से टीवीए ऐसे काम नहीं करता। वो बताता है कि टीवीए का ना ही कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर। जिस पर लोकी कहता है कि ऐसा नहीं है, अब टीवीए का पास्ट और फ्यूचर दोनों है क्योंकि मैं जानता हूँ। इतने में लोकी फिर से गायब हो जाता है, जिसको देखकर अब मोबियस को यकीन हो जाता है कि शायद लोकी सही कह रहा है। वो लोकी से कहता है कि पहले हमें तुम्हें ठीक करना होगा, उसके बाद हम सिल्वी को ढूंढेंगे। इसीलिए मोबियस लोकी को रिपेयर डिपार्टमेंट में जाने को कहता है, शायद वो उसको ठीक कर सकते हैं, जहां पर इनको ओरोबोरस मिलता है। वेल, ओरोबोरस इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि इस पहले एपिसोड का नाम भी ओरोबोरस ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरोबोरस लोकी से कहता है कि मोबियस और वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, वो प्यार से मुझको ओबी बुलाता है, लेकिन मोबियस को तो ओरोबोरस के बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता क्योंकि कैंग ने पास्ट में इन सबकी मेमोरीज को मिटा दिया था, लेकिन वो ओरोबोरस की मेमोरीज नहीं मिटा पाया। इसीलिए मोबियस ड्रामा करता है कि वो ओरोबोरस को जानता है। वो उसको लोकी की हालत के बारे में बताता है और इतने में ही लोकी फिर से गायब हो जाता है और सीधा पास्ट के ओरोबोरस से जाकर मिलता है। इधर मोबियस ओरोबोरस को बताता है कि इसके साथ यही हो रहा है, जिस पर ओरोबोरस मोबियस को बताता है कि ये टाइम स्किपिंग है और इसी की वजह से लोकी पास्ट और फ्यूचर में जा पा रहा है। पास्ट वाला ओरोबोरस भी यही बताता है, वो इस चीज को ठीक करने के लिए एक मशीन बनाता है। तभी प्रेजेंट वाले ओरोबोरस को याद आता है कि पास्ट में लोकी उससे मिला था और मैंने उसके लिए एक मशीन भी बनाई थी जो उसको ठीक कर देगी। ओरोबोरस वो मशीन मोबियस को देकर कहता है कि लोकी समय धारा में फंसा हुआ है, तुमको इस मशीन से उसको खींचकर बाहर निकालना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये काफी जानलेवा हो सकता है, अगर तुमने इसे सही से नहीं किया तो इसमें तुम दोनों की जान भी जा सकती है। इतने में वहां पर लोकी भी आ जाता है, जिसके बाद ओरोबोरस टेम्पोरल लूप में लेकर जाता है जो इस पूरे टीवीए की सबसे मेन जगह है। ये एक टाइप से टीवीए का दिल है क्योंकि टेम्पोरल लूम ही सीक्रेट टाइमलाइन से बाकी सभी टाइमलाइंस को जोड़ के रखता है, लेकिन इस समय टेम्पोरल लूम की हालत खराब हो रही है, वो ओवरलोड होकर फटने वाला है। दरअसल सीक्रेट टाइमलाइन में एक साथ इतनी सारी दूसरी टाइमलाइन बनने की वजह से वो इस भार को संभाल नहीं पा रहा। अगर इसको जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो ये पूरे टीवीए को नष्ट कर देगा और इसे ठीक करने के लिए जो दूसरी टाइमलाइंस बनी है उनको नष्ट करना होगा, जिसके लिए लोकी और मोबियस मना कर देते हैं। जिस पर ओरोबोरस बताता है तो फिर टीवीए को बचाने के लिए हमें टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने से पहले इसके दरवाजों को बंद करना होगा, लेकिन इनके इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। दरअसल लोकी को ठीक करने के लिए पहले टेम्पोरल लूम के अंदर जाकर उस मशीन को रखना होगा, जिसके बाद वो मशीन लोकी को समय की धारा से खींच लाएगी। ये सब तुम्हें मेरे दरवाजा बंद करने से पहले करना होगा, वरना ब्लास्ट के साथ तुम भी मारे जाओगे। अब ओरोबोरस लोकी को बताता है कि सबसे पहले तुम्हें खुद को टाइम स्टिक से नष्ट करना होगा, जिससे तुम पूरी तरह से समय की धारा में मिल जाओगे, फिर ये मशीन तुम्हें समय धारा से खींच लाएगी। उनके पास ये सब करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ही वक्त होता है, जिसके बाद वो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम स्किपिंग कर देता है, पर इस बार वो पास्ट में जाने के बजाय टीवीए के फ्यूचर में चला जाता है, जहां का हाल भी सही नहीं होता। इधर ओरोबोरस मोबियस को सूट पहनाकर टेम्पोरल लूम के अंदर भेज देता है। वहीं दूसरी ओर लोकी को याद आता है कि उसको समय की धारा में पूरी तरह से जाने के लिए टाइम स्टिक की जरूरत है, जो उसके पास थी लेकिन यहां पर फ्यूचर में नहीं है। इसलिए अब वो टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है और खुशकिस्मती से वो उसको मिल जाती है, जिससे वो फौरन अपने आप को नष्ट करके समय की धारा में चला जाता है। उधर मोबियस के पास टाइम खत्म होने वाला होता है, जिसकी वजह से
ओरोबोरस मोबियस से कहता है कि शायद अब लोकी नहीं आएगा, तुम वापस आ जाओ। पर मोबियस को फिर भी लगता है कि लोकी जरूर आएगा और तभी टाइम पूरा हो जाता है। ओरोबोरस टेम्पोरल लूम के दरवाजे को बंद करने वाला बटन को दबा देता है और धीरे धीरे दरवाजे बंद होने लगते हैं। दरअसल अगर ओरोबोरस इन दरवाजों को बंद नहीं करेगा तो टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट से पूरा टीवीए और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी मोबियस को लोकी दिख जाता है और वो फौरन उस मशीन की मदद से लोकी को समय की धारा से बाहर खींच लेता है और लोकी भी बिना देरी किए दरवाजे बंद होने से पहले मोबियस के साथ टीवीए के अंदर आ जाता है। इसी के साथ इन दोनों की जान भी बच जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। जबकि उधर दूसरी ओर टीवीए में हंटर B-15 देखती है कि टीवीए के बहुत सारे एजेंट टाइम डोर की मदद से हथियारों के साथ कहीं पर जा रहे हैं और शायद ये कुछ अब बड़ा करने वाले हैं, जिसके साथ हमारा ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, ये तो अभी लोकी सीजन 2 की शुरुआत है। अभी तो हम लोकी के साथ टाइम लूप में ऐसा फंसने वाले हैं ना, जहाँ से निकल के आना शायद लोकी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। वेल, अब देखना ये है कि क्या ये शैतानियों का देवता टीवीए और मार्वल यूनिवर्स को कैंग द कॉन्करर के आतंक से बचा पाएगा। जानेंगे हम इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।